खबर मध्य प्रदेश छतरपुर जिले से है, जहां पर राजनगर तहसील के ग्राम पहाड़ी बावन के ग्रामीण किसानों ने तहसील भवन के सामने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसानों ने यहां पर मांगे पूरी ना होने पर आत्महत्या की धमकी भी दी है। ये मामला ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत खजुराहो से पन्ना के बीच रेल मार्ग निर्माण से जुड़ा हुआ है, जहां पर ग्राम पहाड़ी बावन में रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया है। किसानों का आरोप है कि उन्हें बिना पूर्व सूचना के उनकी जमीनों पर मशीनें चला दी गई हैं, मकानों को गिरा दिया गया है और फसलें नष्ट कर दी गई हैं और पेड़ काट दिए गए हैं, तो वहीं कुएं भी पाट दिए गए हैं। किसानों का ये भी कहना है कि अधिग्रहण के दौरान उन्हें तय मुआवजे से अधिक जमीन ली जा रही है। साथ ही वे मांग कर रहे हैं कि अधिग्रहित जमीन के बदले हर परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी दी जाए। प्रदर्शन की सूचना पर राजनगर प्रभारी तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्याएं भी उन्होंने सुनी। तहसीलदार ने किसानों को जांच का आश्वासन दिया है, वहीं मामले का समाधान कराने का भरोसा भी दिलाया है और उसके बाद किसानों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। ये हो गया सर कि हमारे ट्रेन नहीं कर रही हमारे खेत से गांव से, तो श्रीमान हमारी 2 एकड़ जागा नोटिस में दी थी कि आपकी 2 एकड़ जागा जा रही और हमारी 2 हेक्टर 23 आरे जमीन है, तो 5 एकड़, तो श्रीमान पूरी जमीन छेक लाई, थोड़ा टुकड़ा इस तरफ बचो थोड़ा इस तरफ बचो, तो इस तरफ को बन वाले कह रहे जी हमारा टुकड़ा है वन विभाग, इस तरफ का थोड़ा सा टुकड़ा बचो, सुनहर वाले मान लो नहर की कहा गई बचा हमारी कहा गई, और है सो श्रीमान सो हम उसका निरंकार किया, हम आओ कुआ जा रहा हो वसिंचित चढ़ो है और मकान जा रहा हो और पेड़ पौधा जा रहा है और धरती तो 5 एकड़ है, सो हमें ऊ को कौन हिसाब ही नहीं कि अब हमारे कहाँ रह गई। ये सर हमारे गांव से रेल लेकर रही है, इसमें किसानों की जमीन ली गई है, उसमें मकान भी जा रहे हैं, पेड़ पौधे भी जा रहे हैं और 80-80, 50-50 साल के जो किसान है मतलब इनका कुआ भी जा रहा है और रिकॉर्ड में दर्ज कर रहा है कि असिंचित है, असिंचित के हिसाब से इन्हें मुआवजा दिया जाता है और बल्कि सिंचित का मुआवजा चाहिए हमें, जो सिंचित हो गए पेड़ पौधे हो गए उसका मुआवजा चाहिए हमें। नहीं तो जब मुआवजा बन रहा था तब नहीं बताया, उन्हें एक नोटिस भेजा कि ये नोटिस तो तुम्हारे जमीन ले रहे हैं, उसमें एक मतलब कुछ बताया नहीं है कि हमारा किस चीज़ का कितना कितना ले रहे हैं, कितना कितना किस हिसाब से दे रहे हैं, और फिर सीधा पैसे वाला नोटिस आया और वो आने के बाद सीधा खाते में पैसा डाल। ग्राम पहाड़ी बावन के कुछ किसान भाई थे, उनका कहना था कि रेलवे का मुआवजा हमें उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, तो उनका आवेदन संज्ञान में लेते हुए पहले भी आया था, पटवारी को मैंने बोल दिया है अभी वो जा भी फील्ड पे, और अगर इनका घर गिर रहा है या घर अगर रेलवे लाइन में फंस रहा है और मुआवजा नहीं मिला तो इसकी जांच होगी और निश्चित ही मिलना चाहिए और मिलेगा, और कुआं और मेन घर का है इनका इशू कि इस पर तो संबंधित से बोल दिया गया है और एक आध हफ्ते में उसकी मैं रिपोर्ट लेके जिनका व्यक्तिशा रिपोर्ट लेके और कार्रवाई करेंगे, SDM सर को भी अवगत कराऊंगा।